हेलो सभी को नमस्कार। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट मार्क कर देता हूँ क्योंकि सॉल्विंग थोड़ी अच्छी है। बाकी एक बार फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट कर दिया तभी तो सब चीज़ें सिंपल ही हो जाती है। तो क्वेश्चन क्या है, द पाइप ओपन एट बोथ एंड हैज द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी 600 हर्ट्ज़। सो डेटा लिख देते हैं, एन ओ इज इक्वल्स टू 600 हर्ट्ज़। ओ यानी ओपन और सिर्फ एन है यानी वो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है। अभी एक इम्पॉर्टेंट डेटा है कि फर्स्ट ओवरटोन ऑफ द पाइप क्लोज्ड एट वन एंड, मतलब फर्स्ट ओवरटोन ऑफ क्लोज्ड पाइप इज इक्वल्स टू द फ्रीक्वेंसी फर्स्ट ओवरटोन ऑफ द ओपन पाइप। मतलब फर्स्ट ओवरटोन ऑफ क्लोज पाइप इज इक्वल्स टू फर्स्ट ओवरटोन ऑफ ओपन पाइप, ऐसा दे रखा है, ये डेटा है। और क्या दे, हाउ लॉन्ग द टू पाइप्स आर। ओके, बढ़िया क्वेश्चन है। अब फर्स्ट ओवरटोन ऑफ द क्लोज पाइप कितना होता है, ये होता है 3 times n, और ये सी लिख दिया, सी यानी क्लोज। और फर्स्ट ओवरटोन ऑफ द ओपन पाइप कितना होता है, ये होता है 2n, और O यानी ओपन। ठीक है, आई बात समझ में। अब 3nc, तब nc क्या होता है, nc होता है v by 4l, और l लेंथ को लिखता हूँ क्लोज्ड पाइप की लेंथ, तभी स्पीड ऑफ साउंड तो सेम ही होगा। और no का जो है वो वैल्यू होता है v by 2l, l को लिखता हूँ ओपन, ओपन पाइप की लेंथ और स्पीड ऑफ साउंड तो सेम ही होगा। आ रही है ना बात समझ में। देखो ये डेटा है, ये गिवन डेटा है कि फर्स्ट ओवरटोन ऑफ द क्लोज पाइप एंड फर्स्ट ओवरटोन ऑफ द ओपन पाइप दे आर सेम। तो भाई हमने लिख दिया कि फर्स्ट ओवरटोन ऑफ द क्लोज पाइप क्या होता है, 3nc होता है, मतलब यानी कि 3n और c यानी क्लोज। फर्स्ट ओवरटोन ऑफ द ओपन पाइप क्या होता है, 2no होता है, 2no यानी ओपन। अभी ये 3 और 2 को थोड़े टाइम के लिए भूल भी जाए अगर, तो nc तो v बाई 4l होता है ना, और इधर सी लिखा यानी क्लोज। 2 को भूल भी जाए अगर, तो एनओ तो वी बाई 2l होता है ना, ओ यानी ओपन। तो ये तो सादा ही फॉर्मूला है, बस ये 2 और 3 गिवन सिचुएशन के हिसाब से यहाँ पर आ रहा है। अभी यहाँ पर क्या होगा, वी वी कट हो जाएगा, 2 2 कट हो जाएगा, देयरफॉर ओपन पाइप और क्लोज पाइप में एक रिलेशन बन जाएगा। एल सी कितना बन जाएगा, एल सी बन जाएगा 3 by 4 times lo, ये एक रिलेशन बन गया। और हमें फाइंड क्या करना है, यही तो फाइंड करना है, ओपन पाइप की लेंथ कितनी और क्लोज पाइप की लेंथ कितनी। तो अच्छा है ना, हमने भाई रिलेशन फाइंड कर दिया, एल सी इज 3 by 4 lo, दोनों में से कोई भी एक वैल्यू मिल जाए दूसरी मिल जाएगी। तो वो वैल्यू कैसे मिलेगी वो मैं आपको बताता हूँ सल्यूशन ये डेटा से। ये डेटा से हम आगे जब प्रोसीड करेंगे तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ओपन पाइप की फंडामेंटल 600 हर्ट्ज दे के रखी है, लेकिन ओपन पाइप की फ्रीक्वेंसी होती है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होती है V बाई 2L, और L को हम लिखेंगे O। L को कितना लिखेंगे, O लिखेंगे। अब देयरफॉर L O कितना हो जाएगा, V बाई 2N हो जाएगा, और O यानी ओपन। अब V को चलो 330 ले लेते हैं, कंसिडर कर रहे हैं, क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया है तो मैं 330 ले रहा हूँ। ठीक है, सो हियर वी मेंशन दैट वी इज इक्वल्स टू 330 meter per second, कंसिडर वी एज वी 330 meter per second। 2 है, एनओ कितना है, 600, 600, 0 0 कैंसिल, तो कितना हो जाएगा ये 33 divided by 120, ये है एलओ। इसको 3 से काटे अगर तो ये 11 हो जाएगा, एंड 3 4 12, ये 40 हो जाएगा, मतलब आंसर आएगा 11 by 40, यानी कि कितना हो जाएगा ये 11 by 40, 11 by 4 कितना होता है, इसको अगर 4 भाग में करेंगे हम 11 को, तो 11 by 4 कितना आएगा, 2.75 आएगा, लेकिन ये एक ज़ीरो भी है तो 0.275 आएगा आंसर, 0.275 meter, या तो और 100 से मल्टीप्लाई किया तो सेंटीमीटर में आएगा, 27.5
5 सेंटीमीटर। पर्पसली मैंने मल्टीप्लाई किया क्योंकि टेक्स्ट बुक में 27.5 ये आंसर दिया है, बाकी ये तो ऐसा यूनिट में आंसर हमने प्राप्त कर दिया है। तो हियर वी गॉट द आंसर इन ऐसा यूनिट, सो दिस इज़ करेक्ट, बट दिस इज़ ऑल्सो करेक्ट इन सेंटीमीटर। एंड पर्पसली आई डिड दिस बिकॉज इन टेक्स्ट बुक इट इज़ गिवन एज 27.5 सेंटीमीटर। नाउ वी नो द रिलेशन बिटवीन द एल सी एंड एल ओ, दैट एल सी इज 3/4 टाइम्स एल ओ। नाउ वी हैव फाउंड द वैल्यू ऑफ एल ओ, इजंट इट, दैट इज 27.5। तो अभी जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 27.5 को 3 से, तो आंसर कितना आएगा, 82.5 होल डिवाइडेड बाई 4। एंड वेन यू डिवाइड 82.5 बाई 4, तो ये ज़रा करना पड़ेगा, 825 डिवाइडेड बाई 4, तो आंसर समझो 80 आ गया, 25 आ गया, 0.64 24, 10 हो गया एंड 25। 10/4 कितना होता है, 0.25, हाँ वही आएगा, 2.5 होता है ना, तो 25 डिजिट लग जाएगा इधर क्योंकि ये 10 है और आगे 4 से वर्कआउट करना है। आंसर आएगा 20.625 सेंटीमीटर, ये हो गया क्लोज पाइप का लेंथ, ठीक है। और अगर मीटर में लिखना हो तो 0.0 ऐसे करना पड़ेगा, 0.20625 सेंटीमीटर, क्योंकि 0.01 से मल्टीप्लाई करेंगे ना सेंटीमीटर से मीटर के लिए। अगर मगजमारी नहीं करनी है तो सिर्फ मीटर में ही आंसर लिखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन ये तो टेक्स्ट बुक में सेंटीमीटर में दिया है, इसलिए बच्चों को ऐसा ना लगे, स्टूडेंट को ऐसा ना लगे कि भाई अलग आंसर आ रहा है, इसलिए पर्पसली मैंने सेंटीमीटर में भी कन्वर्ट किया है। तो ये हो गया हमारा आंसर, ये हो गया हमारा आंसर जो एल ओ और एल सी फाइंड करना था। तो सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप ये था, यहाँ पे वर्कआउट करना, रिलेशन मिल गया, सब्स्टिट्यूट किया, आंसर आया, ठीक है, बढ़िया। तो ऐसे ही मज़ा करते रहिए, नई नई बातें जानते रहिए, आप फिजिक्स पढ़ते रहिए, मैं फिजिक्स पढ़ाता रहूँगा, क्योंकि फिजिक्स हमारा, फिजिक्स तुम्हारा। नमस्कार।